टॉप 6 वर्स्ट मनी मिस्टेक जो आप लोग अपने पैसों के साथ करते हैं और कभी अमीर नहीं बन पाते, हमेशा गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। अगर आप भी इनमें से एक भी मिस्टेक करते हैं तो अभी भी टाइम है, सीखो, समझो और अपने आप को चेंज करो। मेरा नाम है उदित। हम आपको इस वीडियो में 6 वर्स्ट मिस्टेक जो आप पैसों के साथ करते हैं इस वीडियो में समझाएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। सॉल्यूशन दिया है डेव रैमजी, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो एक भी पॉइंट मिस मत करना और मैं 100% श्योर हूं आप इन 6 मिस्टेक में से एक मिस्टेक तो जरूर करते होंगे। 6 मिस्टेक्स जो आप करते हैं उनमें से पहली मिस्टेक है इंपल्सिव शॉपिंग स्ट्रेस। एक आम आदमी के अंदर से आवाज आती है हमेशा शॉपिंग करते हुए कि खरीद लो। एक सेटिस्फेक्शन मिलती है शॉपिंग करते हुए और मन में आता है कि ले लो, कोई बात नहीं, EMI पे कर दूंगा, अगले महीने इंसेंटिव आना है हमारा, इंसेंटिव में से दे दूंगा, या फिर अगले साल तो सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है, EMI आसानी से निकल जाएगी। ये आदत आपको फ्यूचर में पैसे बचाने से, इन्वेस्टिंग करने से और अपने पैसे कंपाउंड करने से रोकती है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हमेशा अपने बजट बनाओ और सेल्फ कंट्रोल रखो। सेल्फ कंट्रोल ना ही आपके फाइनेंशियल गोल के पास पहुंचने में हेल्प करता है बल्कि आपको जिंदगी के एस्पेक्ट्स में भी बहुत काम आता है। एक डिसिप्लिन अप्रोच आपको बहुत आसानी से इंपल्सिव बाइंग से बचा सकती है और धीरे धीरे आपकी पॉकेट भी भर सकती है। नंबर 5, ईटिंग आउट फ्रिक्वेंटली। बाहर खाना किसको पसंद नहीं है, फैमिली के साथ बाहर जाना अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में, उस टाइम तो बहुत मजा आता है और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है, पर इसको एक आदत ही बना लेना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। धीरे धीरे करके ये आदत आपका बैंक बैलेंस कम करती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालें और लास्ट 3 साल का डेटा निकालें कि आपने डाइनिंग पे, जोमेटो पे, स्विगी पे कितना स्पेंड किया है, आप हैरान रह जाएंगे। ज्यादातर लोगों ने 3 साल में कई लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे, आप जरूर चेक करना। इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन बताया गया है, घर में खाना बनाओ और हमेशा लंच पैक करके जाओ। जो भी आपको कुक करना है पहले से डिसाइड करो और वीकली ग्रोसरी लिस्ट बनाओ। इस डिसिप्लिन से ना ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी, आपकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, हाई इंटरेस्ट डेब्ट। ये तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है इजी लोन के चक्कर में। आजकल के यूथ डेब्ट के चक्कर में फंसते ही जा रहे हैं, डेब्ट वो भी इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे। शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है पर जैसे जैसे आप डेब्ट के चक्कर में फंसते रहते हो एक अजीब सा दिमाग में परेशानी हो जाती है और वो बढ़ती ही चली जाती है। आप कुछ सोचिए, आप अपना दिमाग और एनर्जी हाई इंटरेस्ट डेब्ट पे करने में लगाना चाहते हैं या अपने बिजनेस प्लान करने में या जॉब करने में या अपनी फैमिली का ध्यान रखने में। देव रामजी कहते हैं सबसे पहले तो इस जाल में फंसना ही नहीं है और गलती से अगर आप फंस भी गए तो इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपने डेब्ट को सिस्टमेटिकली प्लान करो। सबसे पहले वो डेब्ट उतारो जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो और जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। इससे आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होगा और आप मोटिवेट होंगे और भी लोन्स जल्दी से जल्दी उतारने में। फाइनेंशियल जर्नी में डेब्ट फ्री होने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इससे एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है और ऐसा लगता है दुनिया के सबसे बड़ा भार आपके कंधे से उतर गया है और आप भी फोकस हो जाते हैं। नंबर 3, ब्रांड नेम एडिक्शन। ये तो बहुत ही बड़ा एडिक्शन है जी। मैं तो नाइक के शूज लूंगा, फ्रेश अराइवल, मैं तो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हर साल लेता हूँ, मुझे तो सिर्फ टोयोटा की गाड़ी ही पसंद है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, पर 90% लोग एक्सपेंसिव चीज सिर्फ अपने आप को अमीर दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये आदत आपसे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करा देती है और अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस। डेव रामजी इसमें भी कहते हैं जब भी आप शॉपिंग करने जाओ एक डिफरेंट अप्रोच रखो, हमेशा ऑप्शन देखो और उतना ही स्पेंड करो जितना आपको नीड है। ब्रांड मार्केटिंग में बिल्कुल मत फंसो, थोड़ी सी रिसर्च करो तभी प्रोडक्ट खरीदो। नंबर 2, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन। आजकल बहुत ही आम हो गया है यूथ में सब्सक्रिप्शन लेना, इवन ये भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जिम मेंबरशिप, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस एक आम सी बात हो गई है हर घर में। ये काहे की नेसेसिटी बन गई है भाई, चाहे यूज हो या ना हो मेंबरशिप लेनी जरूरी है।
ये आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की। इससे बचने के लिए आपको बस एक असेसमेंट करनी है एवरी 3 मंथ कि आपके लिए सब्सक्रिप्शन एसेंशियल है या नहीं। जो मेंबरशिप आप यूज कर रहे हैं उसको आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आप जिम एक्टिवली यूज नहीं जा रहे, तो आप उसको ट्रेडमिल पे शिफ्ट कर सकते हैं घर पे, या फिर आप आउटडोर रनिंग भी कर सकते हैं और आप उस पैसे से एक ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही लॉन्ग रन में आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं। नंबर वन, सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लोगों को पता ही नहीं है अपने पैसों के साथ करना क्या है, कैसे इफेक्टिवली मनी मैनेजमेंट करनी है। डेव रैम्सी बोलते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के लोग हों या जितना मर्जी कमा रहे हों, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, हमेशा इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में और फाइनेंशियल स्किल सीखने में। चाहे वो ट्रेडिंग हो, कोई फाइनेंशियल कोर्स हो, या आप फ्री में भी यूट्यूब या और भी दूसरे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी इजी लैंग्वेज में सब कुछ सीख सकते हो। बस एक बात का खास ख्याल रखना है, चूज योर गुरु वेरी केयरफुली। ये डेव रैम्सी ने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ। वीडियो से आप जरा सा भी मोटिवेट हुए हो या 1% भी इससे आपको फायदा हुआ हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही आपको रोज कुछ नया सिखाते रहेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।